बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज का एक बड़ा बयान सामने आया है। राम जन्मभूमि में विराजमान श्री रामलला को शिफ्ट होने की तिथि यहां पर निर्धारित हुई है और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक रामनवमी पर श्री रामलला नए अस्थायी भवन में शिफ्ट होंगे। बताया जा रहा है कि पूरे विधि विधान पूर्वक पूजन के साथ ही उनको शिफ्ट किया जाएगा। बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज, जिनका बड़ा बयान सामने आया है और राम जन्मभूमि में विराजमान श्री रामलला को शिफ्ट कहां किया जाएगा, जब तक निर्माण कार्य चलेगा उसको लेकर तिथि का ऐलान और रामनवमी के दिन बताया जा रहा है कि शिफ्ट किया जाएगा। विधि विधान पूर्वक पूजन के साथ रामलला शिफ्ट होंगे, तो अस्थायी ये शिफ्ट किया जा रहा है रामलला को और तिथि उसको लेकर निर्धारित रामनवमी पर श्री रामलला नए अस्थायी भवन में शिफ्ट होंगे, जहां पूरे विधि विधान के साथ पूजन पाठन किया जाएगा और उसके बाद रामलला को शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि मंदिर का निर्माण होना है और उसको लेकर कुछ समय के लिए रामलला को एक स्थायी जगह देनी होगी और उसके लिए जगह को चिन्हित करना था, जिसको लेकर काफी समय से बैठक भी चल रही थी और ऐसे में फिलहाल ये जानकारी कि रामनवमी के दिन रामलला को शिफ्ट किया जाएगा। जो पर्व होगा, जो नवरात्रि का पर्व होगा, उसके लिए उनको सबका प्रयत्न है कि भगवान तब तक जो है अपने घर को निर्माण के लिए दूसरे स्थान पर और स्थापित होंगे। ये तो स्वाभाविक भी है, हम देखते हैं भाई किसी का पुराना मकान नया बनने तो पूरा घर वाले बराबर के किसी किराए के मकान में चले जाते हैं, लेकिन भगवान को किराए की जरूरत नहीं है, उनका तो अपना इतना बड़ा साम्राज्य व्याप्त है। जो पर्व, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज को आपने सुना और बड़ा बयान उनका ये सामने आया है, जहां पर राम जन्मभूमि में विराजमान श्री रामलला को शिफ्ट करने की जो तिथि है उसको निर्धारित कर लिया गया है और इस के मुताबिक रामनवमी पर श्री रामलला अस्थायी भवन में शिफ्ट किए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक फैसला फिलहाल लिया गया है और उसी के बाद ये जानकारी, जहां विधि विधान से पूजा के साथ अस्थायी भवन में रामलला को शिफ्ट किया जाना है। दरअसल पहले से ही यहां पर कहा जा रहा था कि रामलला को शिफ्ट किया जाएगा, जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तो एक अस्थायी जगह यहां पर उनके लिए सुनिश्चित करनी होगी और दिन के मुताबिक उनको शिफ्ट किया जाएगा।